वो देखता हूँ, टेंट भी काम आएगा, इसको चेक करते हैं। पहले चेयर्स को डन कर ले भाई, ट्रिप के लिए ना कैंपिंग का कुछ सामान लेके आना था, तो वही देखने जा रहा हूँ फिलहाल डीकैथलॉन पे। और पहले सो गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो कैसे हो गाइस, होप आप सब ठीक होगे। और भाई अभी मैं जा रहा हूँ डीकैथलॉन। डीकैथलॉन आपको कल बताया था, आपने कल का व्लॉग देखा होगा। तो भाई ट्रिप के लिए ना कैंपिंग का कुछ सामान लेके आना था, तो वही देखने जा रहा हूँ फिलहाल डीकैथलॉन पे। और पहले आज इसलिए देखने जा रहा हूँ भाई, अभी एक दो दिन का टाइम तो है वैसे, बट ये चेक कर लूँ कि हमारे फरीदाबाद वाले में भाई वो चीज़ें अवेलेबल है भी कि नहीं है, वो देख के आनी पड़ेंगी। और अगर मिल जाती है तो मैं भी साथ के साथ उठा लाऊँगा। तो दो चार चीज़ें चाहिए हमें, तो भाई मेन एक तो टेंट चाहिए। टेंट का देखते हैं, उसका प्रोग्राम प्लान मतलब कर रहे हैं हम लोग कि कैंपिंग करेंगे उसमें, तो टेंट देखेंगे। और चेयर्स देखनी है और दो तीन चीज़ें और हैं वो देखनी है। तो भाई फिलहाल चलते हैं डीकैथलॉन और सामान लेते हैं अपना। और एक तो भाई मेरे को ना इसका वेदर का बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, ये हो क्या रहा है भाई। दो दिन एकदम बिल्कुल वो पड़ जाती है ठंडी सी, ऐसा लगने लगता साला सुबह भी शाम हो रही है, और उसके बाद भाई ये धूप ये देखना। और ज़्यादा टाइम भी नहीं हो रहा, 12:30 हो रहे हैं बस, और मौसम देखो कैसा हो रहा है। ओ गाइस डीकैथलॉन पहुंच चुका हूँ, और ये रहा भाई हमारे यहाँ फरीदाबाद में EF3 मॉल में है ये डीकैथलॉन। और चलो अंदर चलते हैं, अपना सामान देखते हैं, सामान उठाते हैं। ये रहा भाई देखो, वो भाई अपने कुछ ये वाली एक चेयर 3 से 4, और ये तो भाई ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी, ये इनका कोई फ़ायदा नहीं है। ये देखते हैं, इसे ले लेते हैं, और इस टेंट को देखता हूँ अभी, टेंट भी काम आएगा, इसको चेक करते हैं अभी, पहले चेयर्स का डन कर ले। और ये भाई बहुत ही एडजस्टेबल है, ये ना पता बिल्कुल कैरी करने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है, ये फोल्ड हो जाती है, बिल्कुल छोटी हो जाती है। तो भाई चेयर और वो स्टूल तो हमने ले लिए हैं, और अब मैं अपने लिए एक जैकेट देख लेता हूँ, जैकेट की मेरे को नीड है, क्योंकि भाई माइनस का टेम्परेचर होगा, तो भाई पफर जैकेट्स प्रेफर करो। और अभी एक स्टोव चाहिए, स्टोव उसके लिए मेरे को यहाँ पर आ गया है, अवेलेबल नहीं है वो, मेरे को कहीं और देखना पड़ेगा। और स्नो चेन वगैरह ये सब चीज़ें लेके चलनी पड़ेंगी हमें। इतना ही भाई, मेन तो यही अपनी चीज़ें थी जिसकी हमें नीड है, और देखते हैं बाकी और कुछ अगर मिल जाता है जिसकी देख के पता लगे कि हेल्पफुल है तो उसे भी उठा लेंगे। तो भाई यहाँ से अपने को बस अपना चेयर और स्टूल मिला है, और जो टेंट चाहिए था वो मिला नहीं, और ना गैस स्टोव मिला ना स्नो चेन मिली, तो जो मेन सामान था वो ले लिया है, ये रहा अपना सामान। तो यहाँ से निकलते हैं, तो भाई दूसरा स्टोर विज़िट करता हूँ, अब दूसरे डीकैथलॉन जाऊँगा, उधर देखता हूँ, उधर अगर स्टोव वगैरह और टेंट मिल जाए तो। भाई टेंट जो चाहिए था वो मिला नहीं था, यहाँ छोटा वाला था, वो जो अभी मैंने आपको दिखाया था वो छोटा था काफ़ी, तो कोई नहीं, ये लेके चलते हैं दूसरे वाले पे चलते हैं। सो गाइस अपने को पूरा सामान मिला नहीं, कोई नहीं, अभी टाइम है अपने पास अरेंज करने का। और भाई ये इन गलती मतलब यहाँ की भी नहीं है, यहाँ स्टोर की डीकैथलॉन में जब भाई पीक उसमें टाइम में आता है ना, जो स्टॉक आ जाता है, तो भाई डीकैथलॉन का सामान ना ऐसे जाता है पता नहीं चलती, क्योंकि भाई एक तो इनका मतलब जो प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे होते हैं, ठीक है, ऊपर से भाई बड़े मतलब रेंज इनकी बिल्कुल नॉर्मल मीडियम रहती है कि हर कोई अफोर्ड कर सकता है। और टेंट का ये रहा भाई, टेंट मैंने वो जो चेक करा था वो वाला भाई बहुत छोटा था, तो इन्होंने बोला था कि आप अपने किसी दूसरे स्टोर पे विजिट कर सकते हो, वहाँ पर आपको मिल जाएगा बड़ा अगर टेंट चाहिए तो, क्योंकि हमें कम से कम भाई एटलीस्ट 2 आदमी के लिए, तो अगर 2 भी लेते हैं तो भाई ये इतना बड़ा तो चाहिए जिसमें 2 आदमी बड़े ईजिली एडजस्ट हो जाए, तो उस हिसाब से देखना था, वो मिला नहीं। और जैकेट में भाई साइज़ नहीं मिला, इन तो भाई मैं जैकेट के लिए गया था, जैकेट में देखो साइज़ ही नहीं मिला, जैकेट के लिए इन्होंने बोल दिया कि भैया कम से कम दो से तीन दिन में अवेलेबल होगी, तो आप आ जाना भाई, स्टॉक इतनी जल्दी चला जाता है ना इनका पता नहीं लगता, ठीक है। तो अब हमारी मेन चीज़ एक टेंट रह गया, एक हमारा स्टोव रह गया, स्टोव के लिए मैंने बोल दिया जीजू को वो मंगा लेंगे। और टेंट का तो भाई एक बार ना ऐसा है मैं अकेले जाऊँगा देखूँगा, उससे पता नहीं चलेगा, हम कम से कम मेरे को और उनको साथ जाना पड़ेगा, तो पता लगेगा क्या है कैसे सिस्टम है।
तो फिर उस हिसाब से देखेंगे, उसे देखते हैं, अगर शाम को हो पाएगा तो शाम को, वरना कल हम चलते हैं, कल हम देख के आएंगे और ले आएंगे उसे जहाँ तक है। बाकी स्नो चेन्स का भी हमारा हो गया है, स्नो चेन हमें मंगवा लिया, जीजू ने मंगवा ली है, तो उसका भी हो चुका है। तो भाई बड़ा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि अब पता है ऐसे शॉपिंग करने के बाद और थोड़ी एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है कि यार फाइनली जाने वाले हैं। और भाई इस वेट का बहुत टाइम से वेट कर रहा था, मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत टाइम से वेट कर रहा था इस ट्रिप का, तो फाइनली वो हो ही गया है। बस एक दो दिन की, दो दिन की बात है, दो दिन बाद हम लोग सब निकल जाएंगे। और फिलहाल चलता हूँ अपने घर, भाई घर जाके पहले कुछ यहाँ खा लूँ, फिर उसके बाद घर जाता हूँ, घर जाके अपना जो भी छोटे मोटे दो तीन हमारे घर काम है उन्हें निपटा के फिर शाम तक ट्राई करता हूँ फ्री हो जाऊँ, तो ताकि हम जा सके अपना टेंट वगैरह के लिए। तो चलते घर। तो ये इन्हें ना, ये ऑटो वाले इतने कुटेंगे किसी दिन, इतने कुटेंगे जिसको ही हद नहीं। ना तो इन्हें पता नहीं पुलिस वाले कुछ कहते, साइड में खड़े रहेंगे देखते रहेंगे, भाई कहीं भी घुसा देते हैं साले, ऐसा मन करता उतरते ही साले में दो तीन धर दो। होते भी तो ततैया से हैं, मैंने इनका नाम रख रखा भाई ततैया, अभी देख लो लगते नहीं है ततैया से ही, कहीं को कहीं चले जाएंगे, ततैया इधर से उधर होने लगता है ना, इनका भी वही हाल है, कहीं भी घुस जाएंगे। और एक सालों को हॉर्न देते रहो, इनका मजाल है ये हट भी जाए साले बीच में से। और देखो भाई पेंटिंग्स देख लो गाइस, ये हमारे उन्होंने करी थी अज्जू भाई हैं, वेलकम पिक्चर के अज्जू भाई हैं, उन्होंने हमारे यहाँ पेंटिंग कर रखी हैं। और घोड़ा और गधे वाली भी वो पेंटिंग भी है, वो आपको दिखा दूंगा मैं जल्दी। तो चलो पहले घर चलते हैं। देखो भाई एकदम से इधर काट दी बेवकूफ ने। तो गाइस अभी प्लॉट पे आया था और देख रहे हो पीछे शाम हो चुकी है, प्लॉट पे आया था, साहिल और रमन और अखिल आ रहे थे, तो चक्कर में इनके चलो आ जाओ भाई, जब तक शाम को अगर चार दोस्त बैठे ना और भाई थोड़ी वो ना हो ना हंसी मजाक, तो भाई दिन अच्छा नहीं गुजरता। तो चक्कर में आ गया था, तो वो लोग आ रहे हैं, उनका वेट कर रहा हूँ, वो आते फिर। हेलो गाइस। No guys, please, इसे बंद कर। क्यों चश्मे पहन रखे हमारे? हैं? इसे बंद कर दोबारा। अब तो बन गई भाई। दोबारा हेलो गाइस बोल दे, क्या दिक्कत है? हेलो गाइस बोल दिया बस। तू बोलता रहे, अच्छा लग रहा है तू बोलता हुआ। नहीं यार, पहले बंद करो, फिर मैं थोड़ा पोजीशन पे ही। और टोपा कह रहा हूँ। और साहिल भाई क्या हाल है? हैं? साहिल आजकल चुप है भाई, बोल ना रहा वीडियो में कुछ। हैं? क्या चुप है? कल से चुप है वे इसके। यहाँ चलो ओके ओके गाइस टाटा। सो गाइस चलते हैं हम अपने घर, बाकी सब जा चुके हैं और हम भी चलते हैं, टाइम ज़्यादा हो गया, 10 बज चुके हैं। और मिलते हैं आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ, इस ब्लॉग को करता हूँ एंड। सो गाइस वीडियोस देखते रहो, लाइक करते रहो और चैनल को सब्सक्राइब करते रहो।